लोगों का अगर समर्थन नहीं होता है, कभी हम कितना भी मार्केटिंग कर ले वो हिट नहीं होता। आपके माध्यम से मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सही में मैं सोशल मीडिया हेड हूं, मैंने नहीं सोचा था कि लोग इतनी ज्यादा संख्या में हमको समर्थन करेंगे। लोगों ने गांव से लेके किसानों ने अपने वीडियो भेजे, युवाओं ने अपने वीडियो भेजे, महिलाओं ने भेजे, हर आदमी को परेशान है जितने जिस प्रकार से अपनी चीजें हमको भेजी है, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था हमारे लिए कि इतना बड़ा हमने किस प्रकार से एक कैंपेन में सफलता प्राप्त की। आपके माध्यम से देश की जनता को धन्यवाद करूंगा। देश के कांग्रेस के हर छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ का हो चाहे वो बड़ा नेता हो, सबने अपने फेसबुक पे जाके जिस प्रकार से हम लिंक ले रहे हैं हर स्टेट से, जिस प्रकार से माकन जी ने आंकड़ा दिया और भी ये लिंक बढ़ेगी। मैं पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो जनता के लिए हमने आवाज उठाई, ये एक शुरुआत है। ये वर्चुअल रैली जो माकन जी ने शब्द यूज किया, पूरे विश्व में नंबर वन पे ये ट्रेंड हुआ है। इसका मतलब इसका समर्थन कितना बड़ा है वो देखिए। यहाँ पे कोई कांग्रेस की बात नहीं थी, स्पीक अप इंडिया मतलब भारत बोले, और भारत ने आज बोला है कि आपके सामने स्क्रीनशॉट पे देखिए, स्पीक अप इंडिया नंबर वन ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तभी शक्य था जब पूरे देश की जनता ने इसको समर्थन किया। कांग्रेस एक माध्यम है, आपके माध्यम से सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि कई बार जनता की आवाज दबाने का जो प्रयास हुआ है हमारे देश में किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा, अब वो नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म वही प्लेटफॉर्म है जहां पे जनता की आवाज बनकर हम और तेजी से उभरेंगे, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी उसने आज जो निभाई है, जनता को विश्वास दिलाते हैं आपके मुद्दे जो भी होंगे प्लीज हमारे साथ जुड़िए, हमको बताइए, हम आपकी पीड़ा को सरकार के सामने लेके जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि अहंकार छोड़े और देश की जनता की जेब में पैसे डाले, तभी हम लोग हमारे अर्थतंत्र को और जनता की जो पीड़ा है उसको हम लोग नॉर्मल कर पाएंगे।